हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं वोल्टास कंपनी के चेस्ट फ्रीजर का, जिसकी कैपेसिटी है 600 लीटर्स की। फ्रेंड्स, इसकी सारी डिटेल्स जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं रेगुलर बेसिस पर नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते रहता हूँ, सो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल जाए। चेस्ट फ्रीजर के जो डोर होते हैं, या जिसे आप टॉप कहते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक हार्ड टॉप और एक ग्लास टॉप। ग्लास टॉप ट्रांसपेरेंट होता है और ये चेस्ट फ्रीजर एक हार्ड टॉप चेस्ट फ्रीजर है। तो चलिए क्विकली इसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। इसका मॉडल है CFHT600TDP और ये 600 लीटर कैपेसिटी की चेस्ट फ्रीजर है। और वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर दिस चेस्ट फ्रीजर इज 230 वोल्ट्स। और इसका नेट वेट है 97 kg का और इसकी कैपेसिटी है 600 लीटर्स की। प्रोडक्ट डायमेंशन दिया गया है बिकॉज ये एक कमर्शियल चेस्ट फ्रीजर है, सो डायमेंशन जानना जरूरी है। सो इसका डायमेंशन है 200x74x91 cm और ये विड्थ, डेप्थ एंड हाइट है। और इसकी MRP है 36,890 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों क्विकली करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। और इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं एक जेंट लुक का चेस्ट फ्रीजर है। तीन टॉप है, 3 डोर्स दिए गए हैं इस चेस्ट फ्रीजर में। और डोर ओपन करके देखते हैं कि ये चेस्ट फ्रीजर डोर ओपन होने के बाद कैसा दिखता है। और ये मिडिल डोर था ये, और लेफ्ट साइड का ये डोर है। सो कुछ इस तरह का दिखता है ये डोर ओपन होने के बाद। चलिए अब इस चेस्ट फ्रीजर का क्लोज लुक देखते हैं। पहले मैं इनसाइड व्यू दिखा देता हूँ आपको इस चेस्ट फ्रीजर का। और आप देख सकते हैं ये 3 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और ये इसका जो फर्स्ट डोर है उसके नीचे का स्पेस है कुछ इस तरह का। और 3 सेपरेटर दिया गया है, बेसिकली 3 ट्रे दी गई है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं जिसको फ्रीजिंग की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आप एक छोटा सा सेपरेटर देख सकते हैं और नीचे कंप्रेसर यूनिट है। और कुछ इस तरह का ये दिखता है आउटसाइड से। डायमेंशंस मैंने प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर कि आप अपने शॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शॉप के स्पेस के हिसाब से ही आप चेस्ट फ्रीजर को सिलेक्ट करें। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड कुछ इस तरह का दिखता है। और बॉटम में, बैक साइड बॉटम में छोटा सा फैन लगा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी व्यूज़ आपको दिखाऊँ ताकि आपको मदद करे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में। और ये इसका फ्रंट लुक डोर क्लोज होने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखता है ये चेस्ट फ्रीजर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का स्टिकर लगा है, ये टाटा प्रोडक्ट। सो वोल्टास एक टाटा प्रोडक्ट है इसलिए इस तरह का स्टिकर यहाँ दिया गया है। और बॉटम में हमें मिलता है टेम्परेचर कंट्रोलर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर दिया गया है, मेन्स एंड सिग्नल। एंड टेम्परेचर कंट्रोलर भी 4 पे सेट है, मीन मैक्स आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टिकर देख सकते हैं जिसे पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि इसे कैसे मेंटेन रखना है। सो बताया जा रहा है कि 8 इंच का स्पेस होना चाहिए ऑल साइड्स फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। और फ्रीजर को कम से कम 3 घंटे आप चलाइए इसमें कुछ लोड करने से पहले। और 2 कॉमन क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसे नाइट में बंद करना है या नहीं। सो फ्रीजर को कभी भी नाइट में स्विच ऑफ नहीं करें, इट मीन्स ये 24 आवर्स कंटिन्यूस रन करेगी। एंड जब भी पावर कट हो जाए तो आप इसके डोर को कभी भी ओपन नहीं करें। और यहाँ पे आप कस्टमर केयर नंबर भी देख सकते हैं, दैट इज़ 1860-599-4555, एक टोल फ्री नंबर है। और यहाँ पे एक दूसरा स्टिकर दिया गया है जिस पे कुछ अदर डिटेल्स दिए गए हैं इस चेस्ट फ्रीजर से रिलेटेड। और ये है इसका पावर केबल और आप देख सकते हैं छोटा सा वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पर। और ये इस फ्रीजर का अदर साइड बॉटम वेंटिलेशन का स्पेस देख सकते हैं। और ये फ्रंट,
चलिए और क्लोजली मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ट्रे दी गई है, और ट्रे में आपको मिलता है यूज़र मैनुअल एंड लॉक कीज़, और साथ में हमें मिलता है एक प्लास्टिक का छोटा सा आइटम जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इस चेस्ट फ्रीज़र में जब आइस जम जाता है तो उसे निकालने के लिए। तो एक छोटा सा प्लास्टिक का आइटम है और ये अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं उसे निकालने के लिए। और मैं दिखाता हूँ कैसे उसे आइस को आपको निकालना है जब जम जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। और जो तीन ट्रे दी गई है वो डिटैचेबल होती है, सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ इस चेस्ट फ्रीजर को लॉक कैसे करना है विद द की। सो इसमें की दी गई है, जो चाबी होती है वो इसके साथ दी गई है इस डोर को लॉक करने के लिए। आप कुछ इस तरह से इसे आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दें, ये लॉक हो जाएगी। और ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से आपको ओपन करना पड़ेगा, और इसी तरह से आप तीनों डोर को लॉक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। और ये है इसका यूज़र मैनुअल, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझने में, इसे कैसे ऑपरेट करना है सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है, और इसे कैसे मेंटेन रखना है वो भी इसमें दिया गया है। और इस प्रोडक्ट में हमें मिलता है 1 ईयर का कंप्लीट वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी ऑन कंप्रेशर। सो वारंटी कार्ड इसी पे दिया गया है, और मेक श्योर कि आप इसे जिस भी रिटेल आउटलेट से परचेज करें अच्छी तरह से फील करवा लें। सो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको प्रोवाइड किया सारा डिटेल्स। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।